जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हालांकि हम लोगों ने देखा है कि रसूख तो भाई चलता है, रसूख तो हर जगह हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी की सरकार तो ये कहती है कि हम लोग सारे काम को नियम कानून के तहत कर रहे हैं, कोई भी अगर इस तरह से करेगा तो वहां पर बुलडोजर चलने में या पीला पंजा चलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये तो निर्माण हुए हुए हम लोग को दिख रहे हैं, एलडीए प्रशासन एक तो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा, और क्या ये मान के चलें कि कहने को तो बहुत चीजें कही जाती हैं लेकिन बदलती नहीं है स्थितियां, परिस्थितियों में कोई विशेष सुधार नजर आता नहीं है? सुरेंद्र जी, देखिए हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो पॉलिटिकल दबाव से चलता है। इसे सच्चाई को सबको जान लेना चाहिए, लोग जानते भी है, मान भी लेना चाहिए, उसमें हम कोई बात करें। पहली बात, अगर सत्ताधारी दल का सांसद या विधायक होगा, एलडीए की हैसियत नहीं है कि उसका कोई काम रोक दे, अपनी कलम के बचाव करने के लिए कागज पर कहीं लिख देगा लेकिन काम चलता रहेगा। अपोजिट पार्टी का होगा तो हो सकता है भाई एलडीए या किसी भी विकास प्राधिकरण में या आवास विकास परिषद में, आप उसमें सिर्फ एलडीए को आइडेंटिफाई ना करें। जी जी, सब जगह वही पॉलिटिकल मजबूरी है। बिल्कुल, और यही यही इतने छोटे अफसर होते हैं, उनको एक बार अगर वो अधिकारी डांट देता है कि तुम गए कैसे वहां, तो फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो ये इस सिस्टम को आप बहुत चेंज नहीं कर सकते, और आप कहने के लिए कहते रहे आधे ज्यादा लखनऊ जो है वो इलीगल बसा होगा जो एलडीए का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उस पर गड़बड़ी होगी, और वो गड़बड़ियां सरकार दर सरकार चलती रहती है।